नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पूजा अग्रवाल्स किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रिटी दिखने वाला, बहुत ही झटपटा, बहुत ही पॉपुलर एक स्नैक सेवरी लेके आई हूँ, जिसका नाम है कासल पिज्जा। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बच्चों को बना के दीजिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा, खाएंगे भी झटपट से। तो इसमें बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स जो मैं डाल रही हूँ, देखिए क्या है, टमेटो है, इसमें ग्रीन अनियंस है, अनियन है, कैप्सिकम है, चीज है, थोड़ा सा पिज्जा सॉस है, बटर है, ठीक है, और थोड़ा सा मिल्क लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए झटपट हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स मैंने एक पैन ले लिया, अब उसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, ठीक है, और इसमें झटपट से मैं अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा कैरम सीड अजवाइन, ये देखिए इतना सा, बस इतना सा, ये देखिए अजवाइन, ठीक है, जरा सा ये पिंक होने दीजिए। अब झटपट ये बटर जले नहीं, उसके पहले हम इसमें जो सब्जियां है ना वो सब डालेंगे। फर्स्ट हम डाल देंगे इसमें अनियन, अब धीरे धीरे सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ, उसके बाद मैं मसाले बताती हूँ। ये ग्रीन अनियंस, ठीक है, ये कैप्सिकम है, और लास्ट में यहाँ पे टमेटो डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसे मैं हल्का सा सॉटे करती हूँ फ्रेंड्स, फिर इसमें मैं डालूंगी जरा सा नमक, जरा सा शुगर, और चीज स्लाइसेस मैंने रखे हैं, आपके पास क्यूब स्लाइसेस जो भी है, या चीज सॉस कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा सॉटे करूँ 5 मिनट, उसके बाद मैं इसमें सारे जो है चीज स्लाइसेस जो मैंने रखी है वो डाल दूंगी। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्वाद के अनुसार आप थोड़ा नमक डाल दीजिए, और हरी मिर्च, आपके बच्चे खाते तो हरी मिर्च भी डाल दीजिए, और ये देखिए मैं थोड़ा शुगर डाल दी फ्रेंड्स, हाफ चम्मच मैंने शुगर डाल दिया, आप गुड़ पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसे मैं ज़रा सा सॉटे करती हूँ, फिर इसमें चीज़ डालेंगे और हल्का सा दूध डालेंगे, दूध आपकी मर्ज़ी अब डालें नहीं, मैं इसलिए डालती हूँ ताकि थोड़ा सा ये वेजिटेबल फटाफट इसमें मॉइस्ट हो जाएगा, और उससे थोड़ा सा बाइंड भी होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं थोड़ा सा है ना पिज़्ज़ा सॉस डाल देती हूँ, नमक डाला, थोड़ा सा शुगर डाला मैंने, और ये पिज़्ज़ा सॉस डाल देती हूँ। जरा सा मैं दूध डाल दूँ फ्रेंड्स, 2 चम्मच बस। ठीक है, अब इसमें मैं क्या डालूंगी फ्रेंड्स, ये चीज स्लाइस मैंने रखी है, ये चीज स्लाइस मैं डाल दूंगी, आप 1-2 जितनी आपकी मर्जी डालिए। अब ये मेल्ट हो जाए ना तब तक ही आपको पकाना है, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पका के सॉगी नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना मुंह में आएगा बाइट्स छोटे छोटे वेजिटेबल्स के। ये देखिए कलर भी अच्छा है, थोड़ा सा ड्राई होने दे रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, जबरदस्त खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, चीनी जरूर डाले फ्रेंड्स, इससे थोड़ी सी मिठास आती है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसे ना हम ठंडा करेंगे, क्योंकि अब हम इसे ब्रेड में जब स्प्रेड करेंगे ना तो ब्रेड गल जाएगी, हम बटर बटर कुछ नहीं लगा रहे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ वीज डाला है मैंने, दूध भी डाला है। अब इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम उसमें ब्रेड पे लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गैस ऑफ, अब इसे मैं
यहाँ ला के रखती हूँ, ठंडा करती हूँ। ठीक है, पूरी तरह से एकदम ठंडा कर लीजिए। मैं तो देखिए कच्चा बना रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इस तरीके से ये असेंबल करके आप माइक्रो में या ग्रिल में हल्का सा लाइक टॉप ग्रिल कर सकते हैं तो ऊपर में ब्राउनिश कलर आ जाएगा, बट मैं ऐसे बना रही हूँ। इसे ठंडा होने दीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स ये मसाला ठंडा हो गया। देखिए मैंने अरेंज किया है, क्या करना आपको, ये देखिए ये जो स्लाइसेस है ना मैंने सर्कल्स में काट लिए। जो बॉटम का है सबसे बड़ा स्लाइस है, आप कटर यूज कीजिए, यू कैन यूज बॉटल का ढक्कन, यू कैन यूज सिज़र, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा छोटा करके एज मेनी लेयर्स एज यू वांट। मैंने यहाँ 6 लेयर्स किए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आप जितने चाहे आप 3 भी कर सकते हैं, 4 इफ यू वांट यू कैन कैरी ऑन विथ मोर लेयर्स। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने काट लिए फ्रेंड्स, ये देखिए सर्कल्स में। ओके, अब आपको क्या करना है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स आप इसको क्या करना है, सबसे टॉप ये बॉटम वाला लेयर लेना, नो बटर कुछ भी जरूरत नहीं, आप चाहे इफ यू वांट यू कैन यूज चीज सॉस लगा सकते हैं, ठीक है, वो अच्छा टेस्ट देगा। एंड इसे थोड़ा थोड़ा मसाला लगाना, नॉट मच, ये देखिए लाइक एजेस पिज्जा में हम क्लीन रखते हैं ना, तो एजेस बिल्कुल क्लीन रखने, जस्ट सेंटर में आपको लगाना है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक दिस सी। ओके, अब ये जो सेकेंड लेयर था इस पे, ये वाला ये मैं लगा देती हूँ। ओके, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ये देखिए ये लगाया मैंने। ओके, अब फिर से इस पे जो मसाले है ना थोड़े से लगाने हैं, नॉट मच, थोड़ा थोड़ा, लेस इज मोर। हाँ, ज्यादा लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सा ऑगी होकर गिरने का चांसेस है, आप थोड़ा सा लगाइए। एंड मैंने चीज डाल दिया ना तो वो स्टिक करेगा, डोंट यू वरी, इट वोंट फॉल सो इजिली। ठीक है, सेंटर में एजेस एकदम बिल्कुल छोड़ देना है, अगर आ गई एजेस में तो प्लीज पुश इट बैक। ओके, अब ये देखिए मैंने ये वाला लगाया, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा मसाला दिया। ओके, अब नाइफ यूज कर लीजिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्पून। ठीक है, थोड़ा सा मैंने देखिए प्रेस किया ऐसे फिंगर से, ज्यादा नहीं तो मसाले साइड से निकल आएंगे ना, फिर वो डर्टी सर लुक देगा। सी, अब ये सेंटर में थोड़ा सा मैंने डाला, ये थोड़ा ग्रीसी हो गया, देखा आपने, स्टिल चल जाएगा। ओके, ठीक है, नाउ सेकेंड लास्ट लेयर आ गई। ओके, अब लास्ट वाला मेरा मसाला का लेयर आ गया। ये लास्ट में टॉप, ये मैंने सिज़र से काटा था सबसे छोटा, बिकॉज मेरे पास इतने छोटे के कोई कैप ही नहीं थी ना कोई कटर थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जस्ट ये पिज्जा है। ओके, चीज भी डाला हमने, पिज्जा सॉस भी डाला, वेजिटेबल्स, अजवाइन, एवरीथिंग वी हैव एडेड, एंड वी हैव यूज्ड अ ब्रेड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स दिस इज ऑलमोस्ट डन, इसमें हम और कुछ ज्यादा फैंसी नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ये चीज के ना चीज क्यूब को ऐसे स्लाइस करके ना उसमें ये ऐसे पेनिट्रेट कर दिया, इसे क्या कहते हैं, टूथपिक। ठीक है, अब इसे हम बिकॉज इट्स अ कासल लुक दे रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, और ये वी विल इंसर्ट दिस लाइटली। लाइटली, ओके, सी ध्यान से गिरे नहीं। ओके, सी इट इज डन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे लगा लेती हूँ मैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सी फ्रेंड्स ये हो गया, बिल्कुल हो गया, ये मैंने पिज्जा कासल बनाया। हाउ इज इट, प्लीज कमेंट, डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, देखते रहिए, बनाइए, खाइए, ऐश कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय।